हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बंद गोभी के पकोड़े बना रहे हैं। यह खाने में स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ साथ इसे बनाना भी बहुत आसान है। होली मुबारक हो आपको दिल से हर बार, आपके जीवन में हो रंगों की भरमार, यही दुआ है मेरी ईश्वर से इस बार। रेसिपी बनाते हैं। एक बाउल में एक कटोरी आटा लें, इसमें एक चौथाई चम्मच चीनी और ड्राई ईस्ट मिलाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एकदम से पानी ना डालें, धीरे धीरे पानी डालेंगे। आप इस रेसिपी को ध्यान से देखें और सारे स्टेप को फॉलो कीजिए, तभी आपके पकोड़े चटपटे बनेंगे। आटा का कंसिस्टेंसी न ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर रखें। देखिए बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया, जो बुलबुला है यही निशानी है। मैंने 2 प्याज, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया, इन सबको मैंने बारीक से काटा है और लहसुन का पेस्ट इसमें डालूंगी। अब डालें 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी और जो हमने काटा हुआ प्याज, हरा धनिया और मिर्ची सारे इसके अंदर डालें। नमक डालें स्वाद अनुसार और सारे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है लेफ्ट ओवर बंद गोभी की सब्ज़ी। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने बंद गोभी मिलाई है। एक बार ट्राई करें और कमेंट करें। और हाँ, आप किस प्रदेश से ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिख के बताएं। दूसरी तरफ पैन में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था, अब उसमें आराम आराम से पकोड़े डालते जाएं। आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। हेल्दी इसलिए है क्योंकि मैंने इसे शैलो फ्राई किया है। एक तरफ जब गोल्डन कलर हो जाएगा तब दूसरी तरफ पलट देंगे। दोनों तरफ गोल्डन कलर होने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर तलेंगे। फिर उसे प्लेट में एक नैपकिन पर निकाल लेंगे, जिससे उसका एक्स्ट्रा ऑयल नैपकिन पर रिलीज हो जाएगा। सारे पकोड़े इसी तरीके से बारी बारी से तलकर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म पकोड़े देखें किस तरह प्लेट से गायब हो जाता है 1 मिनट में। तो हमारे गर्मा गर्म सारे बंद गोभी के पकोड़े बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। होली की शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से।